हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा में कुछ मेजर परिवर्तन हुए हैं। उन परिवर्तनों पर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल 20 तारीख था, यानी 20 अप्रैल को यूजीसी नेट का जो फॉर्म है वो अपडेट हुआ है, एक प्रकार से वो नोटिफिकेशन आई है और 20 तारीख से फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हुआ है यूजीसी नेट जून 2024 का। हम लोग काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे लेकिन ये डेट आ चुकी है और फॉर्म भरा जा रहा है। यदि जिन बच्चों ने इस फॉर्म को अभी तक नहीं भरा है वो लोग जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूँ कि यूजीसी नेट यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है जो NTA करवाती है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको बोला जाता है। परीक्षा का जो लेवल होता है वो नेशनल लेवल का होता है यानी राष्ट्रीय लेवल पर होता है, और परीक्षा की जो आवृत्ति होती है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, साल में दो बार होता है, एक बार जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। तो ये जून 2024 में हो रहा है, उसके बाद आपका दिसंबर 2024 में होगा। ठीक है, आप सभी को बता दें कि UGC नेट के अगर जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस समय सामान्य वर्गों की जो फीस रखी गई है वो 1100 रुपये रखी गई है और OBC के लिए 600 रुपये है और SC ST के लिए 325 रुपये हैं। बेसिकली इसमें भी फीस में भी थोड़ा सा परिवर्तन भी देखने को मिला है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, फीस को लेकर, ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए। देखिए, ये बेसिकली मैंने उसका प्रोस्पेक्टस ओपन कर रखा है UGC नेट का। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, आप सभी लोग देख रहे हैं, ये डेट बेसिकली अप्लाई करने का डेट है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है 20 अप्रैल 2024 से लेकर 10 मई 2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो फीस की बात करें, अगर फीस की जो डेट है लास्ट, ये लास्ट डेट जो है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस है। ठीक है, यहाँ पर दर्शाया गया है 11 से लेकर 12 मई 2024 तक का है, यानी 12 मई की अगर हम बात करते हैं तो 12 बजे तक, यानी 11:50 तक का है दोपहर तक। ठीक है, ये इवनिंग टाइम में बनेगा, दोपहर नहीं, इवनिंग टाइम तक होगा। ठीक है, इवनिंग PM है ये। उसके बाद अगर मैं बात करते हैं तो देखिए फीस में थोड़ी सी मैंने कहा जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो 1150 है, OBC कैटेगरी की बात करते हैं तो 600 रुपये है और SC ST और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो PH वाले हैं उनके लिए फीस जो है 325 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले बेसिकली फीस जो रखा गया था सामान्य वर्गों के लिए वो 1100 रुपये था, OBC के लिए 600 था, SC ST के लिए, PWD के लिए 275 रुपये था, इसमें फीस जो है बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो OBC के तो 600 का 600 ही रखा गया है लेकिन जनरल के लिए 1150 है और SC ST के लिए 325 है, ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ अगर हम बात करते हैं करेक्शन की जो डेट है 13 से 15 मई के बीच में आपके जो है करेक्शन की डेट है ये। ठीक है, हालांकि यहाँ अगर हम बात करते हैं डाउनलोड बेसिकली अगर हम बात करेंगे एडमिट कार्ड का तो एग्ज़ाम के 7 डे पहले, 7 दिन पहले, यानी आप ये कह लीजिए कि 1 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड जो है अपलोड किया जाएगा। एग्जामिनेशन का जो डेट होगा वो आपका 16 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 16 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट का। परीक्षा की जो अवधि बेसिकली मेंशन की गई है वो 180 मिनट की गई है, दो पेपर बेसिकली इसमें आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिए, नो ब्रेक बिटवीन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में, ब्रेक वगैरह नहीं है पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में, दोनों एक साथ आपको पेपर मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ परिवर्तन हैं, यहाँ आगे बढ़ेंगे, जो मेन चीज़ें हैं उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आप सभी लोग ध्यान भी दें परीक्षा को लेकर। ये तो आपने देखा फीस को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी परिवर्तन थी। दूसरी बात, आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, ये रिजल्ट की बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए बेसिकली किस तरीके से डिटरमाइंड किया गया है, इस बार एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर्स। बेसिकली क्वालिफाइड फॉर, जैसे कि कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड, यानी 3 कैटेगरीज में रिजल्ट बेसिकली इस बार डिसाइड होंगे। तो एक तो अवार्ड JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लेकर, इसमें बेसिकली क्या होगा, यस JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन। और मैं आप लोगों को बताऊँ अपने YouTube चैनल पर जो इस समय सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं इसी पर फोकस कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो जब भी आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन या आप जब भी रिजल्ट क्लियर होगा
तो या जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए जो है यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ अगर हम बात करें कट ऑफ हाई जाएगा इस लेवल पर, अगर हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर फर्स्ट पर तो कट ऑफ हाई जाएगा। कैटेगरी नंबर सेकंड में बात करेंगे अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एज एंड एडमिशन पीएचडी के लिए। आपको अभी बताऊंगा एलिजिबिलिटी में इस बार जो है चार या फोर इयर्स का जो ग्रेजुएशन है जो लास्ट सेमेस्टर होगा, जिनका लास्ट सेमेस्टर होगा उसमें भी आपको बताया गया लगभग 75% अगर आपका बन रहा है तो आप एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। उस कंडीशन में आप बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, वहाँ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं रहेंगे, आप जेआरएफ के लिए रहेंगे और पीएचडी एडमिशन के लिए रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर मैं अभी बताऊँगा आगे लिखा हुआ है। तो एक चीज़ तो एक एडमिशन आपका यहाँ पर रहेगा कि जेआरएफ के लिए नहीं होगा, जिनका मान लीजिए एज वगैरह ज़्यादा हो गया वो तो जेआरएफ में नहीं आएंगे फिर, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए रहेंगे वो। तो ये एक दूसरा है, तो थोड़ा सा इससे क्या है लो कैटेगरी में कट ऑफ आएगी। तीसरा कैटेगरी रहेगी असिस्टेंट फॉर पीएचडी ओनली। देखिए अब तो बेसिकली एलिजिबल हो गया है कि अगर आपको पीएचडी करना है तो एनटीए का एग्ज़ाम तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, यूजीसी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको पीएचडी करनी है तो। यहाँ पर आप जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी से हो अगर आप कर रहे हैं तो जेआरएफ के लिए नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होगा, पीएचडी एडमिशन के लिए ये होगा, ठीक है। तो ये कैटेगरीज आप रख सकते हैं किसके अंतर्गत, वहाँ पर जो मैंने अभी पोस्ट जो मैंने अभी आपको ग्रेजुएशन को लेकर बताया था कि चार साल का ग्रेजुएशन, उनके लिए ये चीज़ें बेसिकली कैटेगरी नंबर थर्ड जो है कहीं ना कहीं उनको रिलेट कराती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, तीन कैटेगरीज में इसका बहुत लो बेसिकली कट ऑफ जाएगा, ठीक है, एडमिशन टू पीएचडी के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, तीन कैटेगरीज हैं, हम लोग जो फोकस कर रहे हैं इसमें कैटेगरी नंबर फर्स्ट पर फोकस कर रहे हैं, हमारा टारगेट यही रहेगा फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी। आगे बात करते हैं, ये रिजल्ट है बेसिकली मैंने आपको बता दिया है जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एस रहेगा इसमें, और एक दूसरा जो कैटेगरी पर रिजल्ट आएगा वो जेआरएफ नहीं होगा, उसमें केवल असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे, उसमें पीएचडी भी आप कर सकते हैं। तीसरे वाले में जो रहेगा वो ना ही जेआरएफ होगा ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप क्वालिफाई हुए हैं तो वहाँ पर आपको पीएचडी में रख दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कट ऑफ निर्धारित होगी, वो कट ऑफ निर्धारित होगी। आगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट नंबर फोर, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, इस बार एग्ज़ाम जो होगा वो आमार बेस्ड मोड ओनली होगा, यानी आप यहाँ पे कह सकते हो इस बार आपका पेपर ऑफलाइन होगा। आपका पेपर इस बार किस तरीके का होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बात को ध्यान सुनिएगा, इस बार आपका कंप्यूटराइज बेस्ड, ठीक है, सीबीटी बेस्ड आपका पेपर नहीं है। इस बार आप बैठेंगे तो आपको दो पेपर मिलेंगे, ठीक है, दो पेपर मिलेंगे और वो पेपर ऑफलाइन होंगे, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, इस बार पेपर ऑफलाइन होगा, ठीक है, ओएमआर सीट मिलेगी आपको। इन सभी चीज़ों पर बारे में अभी हम लोग एक बजे हमने बताया भी आप लोगों को, 1 PM आप सबकी ऑनलाइन क्लास है, अभी स्टार्ट करने वाला हूँ डीप में, वहाँ पर सभी बच्चों को मैं बताऊँगा, ठीक है, ये पब्लिक वीडियो है, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट में आप सबको मालूम है 100 नंबर का आता है, 50 क्वेश्चन होता है, पेपर सेकंड में आपका जो है स्पेसिफिक जो जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखे हैं उसके अंतर्गत आता है, ठीक है, और इसमें बेसिकली आपको जो है 200 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, कुल टोटल मैंने आपको बताया है 3 घंटे यानी 180 मिनट है आपके पास, 180 मिनट है, ये बात आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना होगा। एक चेंजेस मैंने आपको यहाँ पर बताया है, देन आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, आप सब जानते हैं कि जनरल कैटेगरी से हो EWS कैंडिडेट से हो तो उस समय वहाँ पर ये भी दर्शाया गया है कि 55% आपका जो है होना चाहिए तब आप उसका एलिजिबल हैं, ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी तो 50% OBC ST वगैरह वहाँ पर आगे मिलेंगे आप लोगों को, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन मतलब नंबर जो है या मार्क्स वगैरह में थोड़ा सा कंसेशन आपको मिल जाता है कैटेगरीज के आधार पर। हालांकि ये आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है, पहले भी आप लोगों ने भर रखा है, जिसमें कोई इस तरीके के परिवर्तन नहीं है फिलहाल। लेकिन एक अभी हम बात करने वाले हैं आप लोगों से, जहां पर जिक्र किया गया है, मैं आपको बता रहा हूं ग्रेजुएट के बारे में, ठीक है, वहां मैं आप देख सकते हैं आप सभी लोग एच वाले पॉइंट को, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 75% लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट हैविंग पास्ड अ 4 ईयर या 8 semester बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड बी हैव अ मिनिमम ऑफ 75% आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, आपका 75% मार्क्स होना चाहिए तो आप जो है उस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा आप ये भी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आप देखिए कि आपको कहाँ पे कंसीडर
किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, कंसीडर एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ GRF एडमिशन टू PhD वनली। इसके लिए वहाँ पर इनको कंसीडर किया जाएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होंगे, ये मैं आपको बैचलर डिग्री की बात कर रहा हूँ। जैसे 4 ईयर का है तो इसमें 8 या 8 सेमेस्टर होते हैं, तो जो 8वें सेमेस्टर में हैं आप लोग, वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेगा फिर, ठीक है। और उसमें भी देखना है 75% होना ज़रूरी है, ठीक है, 75%। तो इस तरीके से ये जो है एक प्रकार से इस बार एक परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिला है कि ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं वो लास्ट सेमेस्टर में अगर हैं तो वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, परंतु वो JRF और एडमिशन टू PhD के लिए इनरोल रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। अब देख लेते हैं हम लोग, मैं अपने YouTube चैनल पर समाज कार्य के संबंध में सारी जानकारी आप लोगों को देता हूँ, और समाज कार्य की आज ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों का एक मैराथन के रूप में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ Unit 2 के अंतर्गत, है ना। और ये क्लास का जो टाइम होगा 1 PM मैंने अभी आप लोगों के लिए रखा है, इस चीज़ को आप सभी को ध्यान में रखना है। अभी हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है, 1 PM से स्टार्ट करेंगे, जो कि UGC NET पर टोटली बेस्ड होगा। और मैंने बता दिया है आप लोगों को, यदि आप समाज कार्य में UGC NET की तैयारी कर रहे हैं या आप MP SET की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। मेरा कॉल नंबर है 7827550998 है, 9998 है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8506031308 है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी कॉल भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन मोड हो गया है, अब PhD ऐड इसमें कर दिया गया है, ठीक है, कंपलसरी, मतलब PhD अगर आपको करना है तो जाहिर सी बात है नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और 4 ईयर्स का जो कैंडिडेट थे जो ग्रेजुएट कर रहे थे उनके लिए लास्ट सेमेस्टर वाले जो हैं वो भी एलिजिबल हैं, ये तीसरी बात थी। चौथी, जो कैटेगरीज 1st, 2nd, 3rd, रिजल्ट इस बार डिसाइड होगा कैटेगरीज के लेवल पर, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में मैं अभी आप लोगों से 1 बजे भी क्लास में चर्चा करूँगा, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं मुझसे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।